अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्कोकिला किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु। हे भगवान चरक, जिस प्रकार वसंत ऋतु में आम्र की मंजीरियां खाकर कोयल मधुर स्वर में कूजती है, उसी प्रकार आपके भक्ति का बल पाकर मैं भी स्तुति करने को विवश हो चुका हूँ। अन्यथा मैं तो अल्पज्ञ हूँ और विद्वानों के सामने उपहास का पात्र हूँ। दोस्तों, मैं वैद्य मयूर सुराना आज आपके सामने पारायण की कंसेप्ट क्या है, ये थोड़ी शॉर्ट में बताने की का प्रयास कर रहा हूँ। डिवाइन वैद्यत्व नाम का हम एक ग्रुप चलाते हैं, जिसका मकसद है कि वैद्य को उस काबिल बनाना जो ग्रंथकारों की, शास्त्रकारों की अपेक्षा है, पुत्रवद एव एनम उपाचरेत, कि अपने रुग्णों को पुत्र के प्रति प्रेम कर पाए, पुत्र की तरह प्रेम कर पाए, उस लेवल तक हमें पहुंचना है। ये हमारी दिली तमन्ना है, अनुकंपा है उनके प्रति, शास्त्र के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है। इस हेतु से ये ग्रुप चलाया जाता है। इस पर केस डिस्कशंस तो होते ही हैं, साथ ही साथ आचार रसायन के माध्यम से, तत्व स्मृति के प्रिंसिपल्स के माध्यम से कुछ ऐसे गुण उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है जो वैद्य में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो आज के परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं चिकित्सा का बिजनेस जो हो चुका है उसमें ये गुण उतने खिल नहीं पा रहे हैं। तो इस ग्रुप का मकसद है ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, इन तीनों का संलग्न यूज़ हो पाना, कर पाना, ताकि हम सक्सेस की उस शिखा तक पहुंच पाए, उस स्तर पर पहुंच पाए जहां पर ना ही हम पेशेंट को ठीक करेंगे बल्कि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ वैद्य हम अलग स्तर पर पहुंच पाएंगे। तो पारायण की कंसेप्ट एक ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, तीनों का कॉम्बिनेशन है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे वैद्य ऐसे होते हैं जो बहुत नॉलेजेबल है लेकिन प्रैक्टिस उतनी चलती नहीं है, या बाकी भी बहुत सारे प्रॉब्लम उन्हें आते हैं। कुछ लोग सिर्फ भक्ति करते बैठे आयुर्वेद की, आयुर्वेद में ऐसा है, आयुर्वेद महान है, तो उनमें बाकी के दोनों ज्ञान योग और कर्म योग का अभाव है, तो उनको भी उतना सक्सेस नहीं मिलता है। और कुछ लोग सिर्फ कर्मा भी लाशी है, सिर्फ कर्म कर रहे हैं, पंचकर्म कर रहे हैं, बाकी के कर्म कर रहे हैं लेकिन ज्ञान योग का अभाव है, उतना नॉलेज नहीं लेकिन करते जा रहे हैं, तो इसमें भी गलती हो सकती है। और ये गलती क्षमा करने योग्य नहीं है कि पेशेंट पर आपने कोई कर्म कर दिया और उसका विवेकपूर्ण आपको ज्ञान शास्त्राभ्यास न हो, तो वो भी गलती माफ़ी के लायक नहीं है। इसलिए जो वैद्य, जो व्यक्ति ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग में परिपूर्ण है, वही संपूर्ण रूप से चिकित्सा कर सकता है, वही संपूर्ण रूप से वैद्य कहलाने का अधिकारी है। तो पारायण उस दिशा में छोटा सा प्रयास है। मेरे गुरु वैद्य तपन कुमार वैद्य अहमदाबाद से, उनकी प्रेरणा से और मेरे अंतस की प्रेरणा से ये उपक्रम हम शुरू कर रहे हैं। एक सुश्रुत पारायण का हमने उपक्रम 1-3 महीने पहले किया है, और उसके बाद अब ये चरक पारायण। इसमें आपको करना क्या है, आपको सूत्र स्थान पहले अध्याय से शुरू कर रोज 4 अध्याय करने हैं, सिर्फ श्लोकों का पठन करना है। जैसे हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानंच तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदा स उच्यते, इस प्रकार से बिना उसका अर्थ पढ़े और बिना उसका अर्थ लगाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पढ़ते पढ़ते अर्थ लगाने की कोशिश नहीं करना है, यही इसका क्रक्स है, यही इसका हैक है। क्योंकि पारायण का मकसद है उन दिव्य शब्दों के साथ, वो नित्य शब्द नित्य कहे गए हैं, तो उन नित्य शब्दों के साथ, दिव्य शब्दों के साथ हमें जुड़ना है जो अग्निवेश ने, भगवान चरक ने, दृढ़ बल ने बताया है। जब हम हमारे शब्दों को, वाइब्रेशंस को उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच करा लेते हैं, तो बिटवीन द वर्ड्स, बिटवीन द लाइन्स हमें चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। एक श्लोक के अंदर की जो खामोशी है, उन्होंने श्लोक भी लिखे हैं तो अलग अलग समय पर लिखे हैं, अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड्स में लिखे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहना कुछ और चाहते हैं और शब्दों में कुछ और बयां होता है और हम समझते कुछ और है, और ये जो गैप होता है ये हमें समझने के लिए एक विनम्रता की ज़रूरत है, एक हमें उन शब्दों के ऊपर से नज़र जाने की ज़रूरत है। वो जब चली जाती है तो हम बिटवीन द लाइन्स चीज़ें समझ में लग जाते हैं, बिटवीन द वर्ड्स और अनकही बातें, द साइलेंस ऑफ चरक, जो उसकी खामोशी समझ पाएगा वो उस कंसेप्ट को ठीक तरह से समझ पाएगा।
तो इस लिहाज से इस पारायण का बहुत ज़्यादा महत्व है, और इसमें खुद की बुद्धि हमें लगाना नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। श्लोक हम हमेशा स्वार्थ के लिए पढ़ते आए हैं, चरक को हमने हमेशा हमारे लिए पढ़ा है, कभी चरक को चरक के लिए नहीं पढ़ा है। वो हमारी महबूबा है, वो हमें सब कुछ देती है, तो उसको उसके लिए पढ़ना है, उसको ये गिफ्ट देना है कल से हमें, कि सिर्फ उसका अध्ययन करोगे 4 अध्याय को, और इस प्रकार पूरे 30 दिनों में 120 अध्याय पूरी संहिता कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जब आप 4 अध्याय करोगे उसी दिन, सपोज 6 बजे सुबह चालू किया, तो 4 अध्याय होने के बाद आपको लग एक इंट्यूशन आएगा अंदर से कि ये श्लोक मुझे पढ़ना है या ये श्लोक मेरे लिए ज़रूरी है, तो उस श्लोक को सिर्फ अंडरलाइन कर लेना और बाद में उसको विस्तार में आप पढ़ सकते हैं। आप पाओगे कि जब आप 120 अध्याय कर लोगे पूरे, तो आपके पास करीब 40-50 ऐसे श्लोक हो जाएंगे जो आपके दिल को छू चुके हैं या आपकी बुद्धि को छू चुके हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इन श्लोकों पर आपको ज़्यादा अध्ययन करना है, उसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है, या वैसे पेशेंट्स आपके पास ज़्यादा आने वाले हैं। तो ये दिस इज़ बेटर सेट देन डन, आप करके देखिए, ये एक अनुभव है, और अनुभूति की यात्रा को शब्दों में सिंगारना बहुत मुश्किल होता है। सो जस्ट डू इट वंस और इसका अनुभव लीजिए, ठीक है। तो पारायण के पहले आपको आतुर रक्षा सूत्र बोलना है, जो सुश्रुत सूत्र स्थान 5th अध्याय में दिया है। कृत्याणाम प्रतिघातार्थम तथा रक्षो भयस्य च रक्षा कर्म करिष्यामि ब्रह्मा तद्दनु मन्यताम, इस प्रकार से वो दिया गया है। तो इसे संपुट कहते हैं, आतुर रक्षा सूत्र। ये हम सभी वैद्यों के पेशेंट्स के हित के लिए, उनके प्रति हमारी जो अनुकंपा है वो जल्दी से हील हो जाए, उसके प्रति एक ग्रैटिट्यूड के लिए मंत्र कहा जाता है, और इसको हमें संपुट करना है, यानी पारायण के 4 अध्याय के पहले और पारायण के 4 अध्याय होने के बाद, दोनों पहले और बाद में इसको सैंडविच बना के आतुर रक्षा स्तोत्र बोलना है। पहले संपूर्ण बोलना है, फिर 4 अध्याय का पारायण करना है, फिर से आतुर रक्षा पूर्ण बोलना है। इस प्रकार से उस दिन का पारायण कंप्लीट होगा। इस तरह से आपको हर रोज़ करते जाना है, अगले दिन 5th to 8th अध्याय सूत्र स्थान के, फिर 9 to 12, फिर 13 to 16, इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। फिर से बता देता हूँ, जब 4 अध्याय पूर्ण हो जाएंगे उसके बाद आपको जो लगेगा कि ये श्लोक पे मुझे पढ़ना है, जो जो याद आएगा उस समय पर, तो उस समय उस श्लोक को टिक कर देना, पढ़ते वक्त मत टिक करना उसे। जब पूरा हो जाएगा 4 अध्याय तब जो याद आएगा, अंदर से आएगा वो इंट्यूशन से, दिल से, तब पढ़ उस श्लोक को मार्क करके पढ़ लेना है। इसके बाद इस 30 दिनों में ये भी प्रयास रहेगा कि चरक के कुछ मूलभूत संकल्पनाएँ हैं, मूलभूत कंसेप्ट सिद्धांत हैं, या मूलभूत द्रव्य है कुछ, जैसे महाकषाय हो गए, स्वभाव परमवाद हो गया, सामान्य विशेष सिद्धांत हो गया, या कोई ज्वर निदान हो गया, ज्वर की संप्राप्ति कैसे समझनी है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए गए हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कुछ बातें गूगल मीट के थ्रू, कुछ बातें व्हाट्सएप के थ्रू, ऑडियोज़ के थ्रू आपको बताई जाएगी। सो जस्ट एन्जॉय दिस डिवाइन जर्नी ऑफ पारायण, इट इज़ वेरी आउट ऑफ द बॉक्स, इट इज़ वेरी नोवेल, इट इज़ वेरी सिंपल। आप में इसमें इससे विनम्रता भी बढ़ेगी, ज्ञान की लालसा भी बढ़ेगी। बिना नम्रता के ज्ञान टिक नहीं सकता, ज्ञान हुआ भी तो वो मिथ्या ज्ञान होता है। नॉलेज कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू विजडम, और वो विजडम में कन्वर्ट करने के लिए ये छोटी सी छोटी सी ये चाबी है उस हमारे अंदर के छुपे हुए सबकॉन्शियस माइंड में, उन तालों को खोलने की। वो एक बार जैसे जैसे खुलते चले जाते हैं, वैसे प्रज्ञा की विशुद्धि हो जाती है, और प्रज्ञा की विशुद्धि होने लग जाए तो आपको किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। देन नॉलेज पोर्स विद इन यू, नॉलेज आपके अंदर से बाहर प्रकट होता है, एंड दैट इज़ वॉट वी कॉल इट एज विजडम। तो आप निरंतर इस प्रकार से यदि पारायण करोगे तो बहुत ही अद्भुत इसके आपको लाभ मिलेंगे। आपको और भी कोई डाउट्स होंगे तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, 9503504200, ये मेरा नंबर है। पारायण 16th November कल से स्टार्ट हो रहा है, सुबह 6 बजे से आपको पारायण करना है, हार्डली आधा घंटा लगता है। और उसके बाद जो ग्रुप बनाया जाएगा चरक पारायण का हमारा, उसके ऊपर आपको सिर्फ हेल चरक, HAIL हेल चरक डाल देना है। ये आपकी प्रामाणिकता पर निर्भर है कि आपको रोज़ जब आपका कंप्लीट हो जाएगा आपको हेल चरक इतना डाल देना है। एक 30 डेज के बाद उसके ऊपर एक क्वेश्चनेयर रहेगा और कुछ आपसे रूबरू बातें होंगी, बेस्ड ऑन दैट कुछ विनर्स हम निकालेंगे और कुछ प्राइजेस या कुछ चीज़ें वहाँ पर आपको दी जाएंगी। ये ऑफकोर्स आपको मोटिवेट करने के लिए ये चीज़ रखी गई है। मेन उद्देश्य ये कि पारायण से, भक्ति से, ज्ञान से, चरक से जुड़ना है, ताकि हमारे जो बंद द्वार है, जो हमारी इग्नोरेंट एरियाज है ब्रेन के अंदर, वो खुल जाए, वो ज्ञान के द्वार हमारे खुल जाए। ओके, सो प्लीज़ डू मैसेज मी फॉर एनी डाउट्स एंड इन्फॉर्मेशन। 16th November 6 AM से स्टार्ट हो रहा है। इन वर्स्ट केस यदि आपका कल नहीं हो पाएगा किसी वजह से, तो
एक दिन हमने एक इसके लिए विंडो पीरियड रखा है एक्स्ट्रा, परसों से भी हम उसे स्टार्ट कर सकते हैं, सेम 6 AM को। यू हैव टू मैसेज मी पर्सनली। और इसकी जो फीस रखी हुई है दैट इज़ 1000 रुपीज़। अगेन दिस मनी इज़ गोइंग टू गो टूवर्ड्स आचार रसायन, अच्छे काम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने वाला है। ये पैसे रखने का भी उद्देश्य यह है कि बिकॉज आर नेचर इज़ मनी माइंडेड, या जब हम किसी चीज़ में पैसा देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, देन वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप उसे करने की। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, क्योंकि किसी भी नई आदत को चालू करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, 3-4 डेज हम करते हैं फिर उसे ड्रॉप कर देते हैं, ताकि ये हैबिट बरकरार रहे। इसलिए वो मनी की इन्वेस्टमेंट है, ताकि वो हमेशा याद दिलाएगा हमें। और आप 1 महीना इसे कर लो पारायण, उसके बाद जो चेंजेस आएंगे वो अद्भुत होंगे। दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से। सो प्लीज़ बी कनेक्टेड, बी ट्यून्ड। थैंक यू।